प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी। उसके बाद नए संसद भवन के निर्माण का काम तेजी से शुरू हुआ। वैसे नए संसद भवन का निर्माण कब तक पूरा हो जाएगा इसकी समय सीमा तो बता दी गई थी, लेकिन फिर भी सभी को बड़े ही बेसब्री से इंतजार था और वो इंतजार अब खत्म हो गया है। अंग्रेजों के जमाने की संसद भवन बहुत जल्द अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। नए संसद भवन के निर्माण का काम अब लगभग पूरा हो गया है। संसद का हॉल बनकर तैयार है। ये जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये नए संसद भवन की तस्वीरें हैं जिसे हाल ही में केंद्र सरकार ने जारी की है, जो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही हैं। तो चलिए आपको इन तस्वीरों के जरिए बताते हैं कि नया संसद भवन कैसा है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि नया संसद भवन पुराने संसद भवन से 17,000 वर्ग मीटर बड़ा है। इसे 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनाया गया है। नई संसद भवन में लोकसभा फ्लोर का प्लान राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर रखा गया है। साल 2022 में नई संसद भवन का कॉन्ट्रैक्ट टाटा प्रोजेक्ट्स को 861.9 करोड़ रुपए में दिया गया था, जिसके बाद जीएसटी की दर बढ़ने के चलते इसकी लागत भी बढ़ा दी गई थी। बाद में इसकी लागत करीब 1,200 करोड़ रुपए तक बढ़ा दी गई। वहीं नई संसद भवन के शुरू हो जाने के बाद पुराने संसद भवन को म्यूजियम में बदल दिया जाएगा। नई संसद भवन पर भूकंप के झटके का भी कोई असर नहीं होगा। इसकी डिजाइन HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार किया है। वहीं आर्किटेक्ट विमल पटेल हैं। नई संसद भवन में 1200 से भी ज्यादा सांसदों की बैठने की सुविधा है, जिसमें 888 सांसद लोकसभा और 384 सांसद राज्यसभा में बैठ सकते हैं। भवन में एक खूबसूरत संविधान कक्ष भी बनाया गया है। इसमें लॉन्च, लाइब्रेरी, कमेटी हॉल, कैंटीन और पार्किंग की सुविधा भी दी गई है। आपको बता दें कि मौजूदा संसद भवन अंग्रेजों ने साल 1927 में बनाया था। वहीं मार्च 2020 में केंद्र सरकार ने संसद को बताया था कि पुरानी बिल्डिंग ओवर यूटिलाइज्ड हो चुकी है और खराब हो रही है। इसके अलावा लोकसभा सीटों के नए सिरे से परिसीमन के बाद जो सीटें बढ़ेंगी उसके लिए बैठने के पर्याप्त जगह भी नहीं है। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने नई संसद भवन के प्रस्ताव पर काम शुरू कर दिया था। नई संसद भवन की नई बिल्डिंग के निर्माण में अब तक 26,045 मीट्रिक टन स्टील, 63,807 मीट्रिक टन सीमेंट और 9,689 क्यूबिक मीटर फ्लाई एश का इस्तेमाल किया जा चुका है। वहीं जानकारी के मुताबिक 12 मार्च को अवकाश के बाद जब संसद की मीटिंग होगी तो नया भवन तैयार हो जाएगा। वैसे नए संसद भवन की इन तस्वीरों को देखकर आप क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं।